दोस्तों आईपीएल 2020 के ऑक्शन से पहले टीमों के बीच में बहुत सारे अदला बदली देखने को मिली। बहुत सारे खिलाड़ी हुए एक टीम से दूसरे टीम में ट्रेड और बहुत सारे खिलाड़ी हुए अपने टीम से बाहर। ऐसे में दोस्तों इस ट्रेड के बाद कुछ टीमों को हुआ काफी फायदा और कुछ टीमों ने किया जाने अनजाने में बहुत सारी गलती। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ चार ऐसे टीम के बारे में जो ट्रेडिंग प्रोसेस के बाद काफी फायदे में है और ऑक्शन में फायदा उठाने वाले है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप भी आईपीएल का फैन है और इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों इस लिस्ट में कुछ टीम ऐसा है कि पहले से ही मजबूत दिख रहा है और कुछ टीम ऑक्शन में फायदा उठाने वाला है। तो पहले ही बात करें दिल्ली कैपिटल्स के टीम के बारे में, तो दोस्तों इस टीम ने बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक चला और काफी समझदारी के साथ बहुत सारे खिलाड़ी ट्रेड कर चुके। दोस्तों पहले से इस टीम में काफी सारे भारतीय खिलाड़ी मौजूद है और अब ट्रेडिंग के जरिए और भी भारतीय खिलाड़ी टीम में शामिल हो चुके हैं। इस साल ट्रेडिंग के जरिए ये टीम ऑलरेडी दो बेहतरीन भारतीय खिलाड़ी टीम में ला चुका है जो कि अजिंक्य रहाणे और रविचंद्रन अश्विन, और इस दोनों के ट्रेडिंग में बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इन दोनों के बदले में दिल्ली को सामने वाली टीम को कोई भी बड़ा खिलाड़ी नहीं देना पड़ा। और दोस्तों इस बड़े सक्सेसफुल ट्रेडिंग के बाद दिल्ली ने काफी समझदारी के साथ प्लेयर रिलीज किए और उनके पास पर्स में 27.85 करोड़ रुपए बचा हुआ है। हालांकि उनको 11 खिलाड़ी खरीदना होगा जिनमें 6 भारतीय खिलाड़ी और 5 विदेशी खिलाड़ी खरीदना होगा, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ऑलरेडी टीम में मौजूद है तो कुछ छोटे खिलाड़ी खरीद लेंगे और एक बड़ा अमाउंट 5 विदेशी खिलाड़ियों के पीछे खर्च करने वाली है। नेक्स्ट जो टीम है वो है कोलकाता नाइट राइडर की टीम। तो दोस्तों ये टीम ने ट्रेडिंग में उतना सक्सेसफुल नहीं रहे, मुंबई इंडियन के टीम से सिर्फ सिद्धेश लैट को खरीद लिए, लेकिन दोस्तों ब्रैंडन मैकुलम ने काफी प्लानिंग के साथ टीम से प्लेयर रिलीज कर चुके हैं। माना कि दोस्तों क्रिस लिन के रिलीज में बहुत सारे केकेआर फैन दुखी है, लेकिन दोस्तों क्रिस लिन, पीयूष चावला और कार्लोस बेतवेत के रिलीज के बाद इस टीम ने काफी सारे पर्स मनी जमा कर चुके हैं। क्रिस लिन के तरफ से 9.4 करोड़, पीयूष चावला से करीब 4.5 करोड़ और कार्लोस बेतवेत के तरफ से 5 करोड़ मिल चुका है और फिलहाल ये टीम सेकेंड हाईएस्ट पर्स मनी होल्डर बन चुके हैं। कोलकाता के करंट पर्स में 35.65 करोड़ रुपए बचा हुआ है और 11 खिलाड़ी खरीदना होगा जिनमें 7 भारतीय और 4 विदेशी खिलाड़ी रहने वाले है। और दोस्तों इस 4 विदेशी खिलाड़ियों के लिए केकेआर पहले से ही प्लान बना के ही ऑक्शन में उतरने वाले है क्योंकि 2-3 प्लेयर के लिए तो बहुत दिनों पहले ही प्लान बना लिए है। शायद लीन को कम प्राइस में मिले तो खरीद लेंगे, वरना और भी ऑप्शन रहने वाला है। और बात करें 7 भारतीय खिलाड़ी के बारे में, तो 35 करोड़ में 15 करोड़ भारतीय खिलाड़ी के लिए रख लिए तो भी काफी अच्छा खिलाड़ी मिल जाएगा। नेक्स्ट इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। तो दोस्तों ये टीम उन टीमों में से है जो ट्रेडिंग में ज्यादा भरोसा नहीं करते, ऑक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे में दोस्तों ये टीम 2019 के टीम के ऊपर पूरा भरोसा किया और सिर्फ 5 खिलाड़ी टीम से रिलीज कर दिए, जिनमें से दोस्तों शकीब अल हसन को निकलना ही पड़ेगा क्योंकि वो अभी 2 साल के लिए क्रिकेट से बैन हो चुके हैं। और बाकी 4 में से मार्टिन गप्टिल को उनके टीम में जरूरत ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो के रहते हुए ये टीम ओपनर्स नहीं चेंज करने वाले है। अब दोस्तों इस टीम के पास भी दिल्ली की तरह काफी अच्छा भारतीय खिलाड़ी ऑलरेडी मौजूद है और रिलीज के बाद पर्स में 17 करोड़ रुपए बचा हुआ है जिनमें 5 भारतीय खिलाड़ी और 2 विदेशी खिलाड़ी खरीदना होगा। तो अब ऑक्शन में ये टीम भी कुछ छोटे मोटे भारतीय खिलाड़ी खरीद लेंगे और एक भारी रकम बचा के रखेंगे 2 विदेशी खिलाड़ियों के लिए। आखिर में दोस्तों इस लिस्ट में है मुंबई इंडियन के टीम। तो दोस्तों पिछले साल का चैंपियन ये टीम पहले से ही एक मजबूत और बैलेंस टीम है। टीम में ऑलरेडी बुमराह, मलिंगा जैसे यॉर्कर किंग पहले से ही मौजूद है और ये टीम ट्रेडिंग के जरिए बेहतरीन विदेशी गेंदबाज टीम बोल्ट को भी टीम में शामिल कर चुके हैं और भारतीय गेंदबाज बोले तो धवल कुलकर्णी को भी अपने टीम में बैकअप के तौर पर खरीद लिया है। तो ऑलरेडी एक मजबूत टीम बना के बैठे हुए हैं, फिर भी उनके पास अभी 13 करोड़ रुपए बचा हुआ है जिनमें से आराम से ये टीम 5 भारतीय खिलाड़ी और 2 विदेशी खिलाड़ी खरीद लेंगे। तो दोस्तों ये थे 4 टीम जो ऑक्शन से पहले काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं और ऑक्शन में बहुत ही फायदे में रहने वाले है। आप नीचे अपना फेवरेट टीम का नाम कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो एक लाइक मार दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।